मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में मंत्रियों से मुलाकात होगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य अध्यक्ष के साथ मुलाकात करने का समय निर्धारित हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोयला खनन के लिए राजस्थान सरकार को अनुमति दे दी गई है। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। सीजीपीएससी मामले में सीबीआई की शुरुआती जांच को लेकर कहा कि यह प्रधानमंत्री का वादा था। बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीबीआई जांच का वादा किया गया था, वह प्रारंभ हो चुका है। आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी भी जा रहे हैं और वहाँ माननीय मंत्रीगण से मुलाकात करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय रेल राज्य मंत्री जी से आज उनका मिलने का समय मिला है तो उनसे मुलाकात करेंगे। हाँ, तो वादा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीबीआई के द्वारा जो पीएससी में घोटाले हुए हैं उसकी जांच होगी और वो जांच प्रारंभ हो गई। वो तो दुनिया देख रही है किस तरह से घर में घुस के मारे हैं, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, जैसे एयर स्ट्राइक किए हैं।